चलिए आज बनाते हैं वो रेसिपी जिसके चर्चे आजकल हर जगह हो रहे हैं, स्पेशली हमारी दिल्ली में। तो वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी धनिया का ना एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसको हम हरी चटनी भी कह सकते हैं। ये वड़ा पाव बनाने में बहुत ही आसान होता है, बस इसके लिए आपको ना कुछ प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है और उसको एक साथ असेंबल करेंगे और आपका वड़ा पाव तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये हरी चटनी बना के तैयार कर ली है। आप इसके अंदर चाहें तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद मैं बेसन का एक घोल तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है बेसन। उसके अंदर डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसके अंदर पानी मिला के इसका एक मिक्सचर बना देंगे। और ना ही आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, अदरवाइज पूरा बेसन बेसन हो जाएगा, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी बेसन की लेयर पता ही नहीं चलेगी। तो ये जो बेसन की मिक्सचर आपने बनाया है, इसी से ना ये इसकी थोड़ी सी इसको चूरा टाइप का इसका बना लेंगे, जिसका क्रंच ना वड़ा पाव में बहुत ही अच्छा लगता है। अब साइड में मैं एक पैन में लूंगी तेल, मैंने ऑलिव ऑयल लिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसमें सबसे पहले डालेंगे हींग, थोड़ा सा मैंने डाला है सरसों, मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसके बाद इसको हल्का सा भुनेंगे। और भुनने के बाद इसके अंदर जो मैंने वो हरी चटनी पीसी थी ना, लहसुन और हरी धनिया वाली, उसको मिला देंगे। इसको हल्का सा सौते करेंगे, हल्का सा ही मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी सिर्फ कलर के लिए। उसके बाद जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, आलू आप पहले से बॉईल करके रख लेना, उसको मैं ऐसे हाथ से ही फोड़ के डाल दूंगी। अगर आलू आप थोड़ी देर पहले ही बॉईल कर लेंगे तो उसके अंदर ना फिर थोड़े से वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे, पानी पानी नहीं रहेगा, ईजी हो जाएंगे। देन उसमें मिलाया मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा नमक, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसके अंदर डाली है, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसका टेक्सचर, जब तक आपको ऐसे आटा गूंदते हैं ना, उस तरीके का नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसको जो है फ्राई कर देंगे रहे या रोस्ट करते रहेंगे। उसके बाद इसको बाहर निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और इसके ना इस तरीके से बॉल्स बना लीजिए। बॉल बना के मैंने इसको बेसन में लपेट के, जो इसका वड़ा होता है जो पाव के अंदर बीच में लगाते हैं, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। आप खुद देखेंगे कि जो आलू की बॉल्स हैं उसके अंदर जो बेसन की कोटिंग है वो पूरी तरीके से आ जानी चाहिए। इसको एक साइड मैंने फ्राई कर लिया है, जितने वड़ा आप चाहे एक साथ कर सकते हैं। अगर आपको बाद में खाना है तो उसको बाद में भी आप फ्राई करके रख सकते हैं। देन उसके बाद मैंने ये हरी मिर्च है ना, इसके अंदर चीरा लगा दीजिएगा, अदरवाइज भी छटकती बहुत ज़्यादा है। तो हरी मिर्च को भी मैंने इसी तेल में फ्राई कर लिया, मैंने लंबी वाली हरी मिर्च ली है जो कि तीखी कम होती है। उसके साथ साथ मैंने लहसुन ली है, लहसुन की एक चटनी बनेगी इसमें जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लहसुन में भी आप कट मार लीजिएगा, अदरवाइज फिर ये जो है तेल में डालने के बाद थोड़ी सी छटकी। उसके बाद हरी मिर्च के ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक छिड़का है। देन एक और पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट, आपके पास वो वाला कोकोनट आप वो डाल सकते हैं, जो कि वो पूरा खोपरा टाइप का कोकोनट होता है, वो भी डाल सकते हैं। उसमें मिलाया मैंने थोड़ा सा तेल और सूखी लाल मिर्च, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद इसको मिक्सर में डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे वो बेसन वाले जो चूरा हमने बनाया था और लाल मिर्च, और इसका हम एक ड्राई इसको पीस लेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है। तो इस तरीके से ना आपको एक चटनी सी मिल जाएगी। इस चटनी का टेस्ट वड़ा पाव में बहुत अच्छा आता है और मेन इसी का ही टेस्ट होता है। तो देन मैंने पाव ले लिए हैं, पाव के अंदर मैंने सबसे पहले लगाया टमाटो केचप और ग्रीन चटनी एक साइड लगा के, फिर मैंने उसको दोनों तरफ ऐसे मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो सॉस लगाएं टमाटो केचप, उस अपना टेस्ट होता है। देन ये जो लहसुन वाली चटनी हमने डाली थी ना, इसको इसके अंदर डालेंगे, जो बेसन हमने फ्राई करे थे, चूरा बनाया था, उसको डालेंगे। एक इसके अंदर जो है वड़ा रखेंगे और इसको हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी सी लगती है, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है वड़ा का, हरी मिर्च का, और इसके साथ साथ इसके अंदर ये जो हमने लहसुन का क्रंच डाला है चटनी का, अपने आप में ना ये बड़ा ही एक कंप्लीट मील काइंड ऑफ होता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। मुंबई में मैं गई थी तो मैंने खा के देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन अब मैंने खुद से बनाया तो मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद आया।